हाँ गैस, मैं दिखा देता हूँ। वो जो मेरा यूएसबी है ना, यूएसबी 2 दिन पहले अच्छा से चल रहा था, एकदम अच्छा से चल रहा था। मैं उसको पोर्टेबल भी किया था विंडोज से उबंटू, है ना, अच्छा से चल रहा था, कोई इशू नहीं, एकदम मस्त चल रहा था। उसको देखो कैसे डिजाइन करके रखा हूँ मैं। बट ना, मैं आज देख रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली वो नहीं चल रहा है एंड कुछ एरर दे रहा है मुझे। एंड हम तो आईटी स्टूडेंट है, हम तो हार मानने वाला नहीं है। तो इसको देखो हम कैसे रिजल्व करते हैं। इसी तरह यूएसबी ऐसा इसी तरह इशू आप रिजल्व मीन्स आपको मिलेगा ना, ऐसे सोच के यूएसबी खराब हो गया फेंकना मत, वो इशू रिजल्व हो जाता है एक्चुअली, है ना। मैक्सिमम इशू तो रिजल्व हो जाता है एंड जो 20% इशू रिजल्व नहीं होता है वो यूएसबी का अंदर ही खराब हो जाते हैं। तुम कुछ ज़्यादा दिन हो जाता है, नहीं तो फिर डाटा लार्ज अमाउंट पे हम कुछ स्टोर कर देते हैं एंड मैक्सिमम टाइम फॉर्मेट करने का टाइम पे भी जो फाइल सिस्टम हम सिलेक्ट करते हैं उसके वजह से भी ख़राब हो जाता है ना। एंड मैं जो इशू फेस करता हूँ उसी के लिए क्या रिजॉल्व करना है, कैसे इशू रिजॉल्व करना है मैं आपको बता देता हूँ, है ना। जस्ट मैं अभी मेरा यूएसबी कनेक्ट कर देता हूँ मेरा लैपटॉप के अंदर एंड जो मैं इशू फेस कर रहा हूँ वो आपको दिखा देता हूँ, वो इधर ही आएगा अभी। यस, देखो मैं जो इशू अभी फेस कर रहा हूँ ना वो इशू आपको दिखा शायद अच्छा से दिखाई होगा। प्लीज़ इंसर्ट ए डिस्क इनटू यूएसबी ड्राइव, है ना। वो यूएसबी ड्राइव में मैं इशू फेस कर रहा हूँ, जब भी कनेक्ट करता हूँ वो इशू में मेरा यूएसबी का अंदर मिलता है। कुछ भी डाटा मैं कुछ भी स्टोर नहीं कर पा रहा हूँ, है ना, ऑपर भी नहीं कर पा रहा हूँ उसको। तो चलो हम इशू रिजोल्व करते हैं। पहले हम देखते हैं मेरा यूएसबी किधर है एंड उसका ड्राइव नेम क्या है, कौन सा नेम है हो? वो मेरा देखिए मेरा सिस्टम का वो है ओएस मैंने रीनेम किया हूँ, सी ड्राइव है वो एंड वो डी ड्राइव है उसको मैं रीनेम किया हूँ फॉरेस्ट डाटा है वो, है ना। एंड वो मेरा यूएसबी है, यूएसबी ड्राइव है वो जो एम है, जो भी उसको ओपन करता हूँ वो इशू में फेस करता हूँ, है ना। उसको कैसे रिजोल्व करेंगे, वो उसका रिजोल्व है ना एक मिनट में हो जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आपको जाना है जिस पीसी में, जिस पीसी टाइप करना है ऐसा, जिस पीसी टाइप करने के मैनेज में जाना है, है ना। मैनेज में जाके आपको क्या करना है, डिस्क मैनेजमेंट में जाना है। उसको स्क्रॉल डाउन कर लेंगे, बड़ा कर देंगे, उसके बाद डिस्क मैनेजमेंट में जाना, ठीक है ना। डिस्क मैनेजमेंट में जाके इधर डिस्क मैनेजमेंट का फाइल पार्टीशन सब ओपन होगा। उसके बाद हम जाएंगे इधर दिखाई देगा, वो जो ऊपर दिखाई दे रहा है वो मेरा सिस्टम का है, मेरा कितना है, मेरा कितना मेमोरी है मेरा सिस्टम का 476, है ना। तो इसी तरह मेरा वो डिस्क वन जो दिखाई दे रहा है वो डिस्क 0 है, वो सिस्टम का रहेगा और बाई डिफ़ॉल्ट डिस्क 1 है जो एक्सटर्नल हम कनेक्ट करते हैं, है ना, वो मेरा डिस्क 1 है। वो इसको कैसे पता चलेगा, आपको बेसिक लिखा है एंड रिमूवेबल लिखा है, मीन्स उसको हम रिमूव कर सकते हैं, मीन्स वो मेरा एक्सटर्नल ड्राइव है, मीन्स हार्ड डिस्क कोई हो सकता है रिमूवेबल एंड पेन ड्राइव भी हो सकता है, ठीक है। तो वो मेरा अनलोकेटेड दिखाई दे रहा है, अनलोकेटेड स्पेस दिखाई दे रहा है, मीन्स उसके अंदर कोई भी ड्राइव क्रिएट नहीं हुआ है, इसी के वजह से वो इशू आ रहा है एक्चुअली, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक न्यू वॉल्यूम क्रिएट कर देंगे, दैट्स इट, इतना सारा स्पेस है हम उसको दे देंगे, सब कुछ दे देंगे एंड कोई भी नेम दे देंगे हम, जैसे मेरा नाम परेश, पी में दे दूंगा, है ना। एंड नेक्स्ट कर लूँगा, NTFS कर देंगे, NTFS फाइल सिस्टम अच्छा है सबसे, बेटर देन F32, है ना, F32 में अच्छा सबसे NTFS एंड बाय डिफ़ॉल्ट उसको रख लेंगे, है ना, ऐसा कोई नहीं रखेंगे। एंड मेरा इधर नाम दे दूंगा जैसे परेश .R, है ना, दे दूंगा, नेक्स्ट कर दूंगा, दैट्स इट, फिनिश कर दूंगा। देखो इशू इधर अनलोकेटेड स्पेस जो था ना क्रिएट हो गया है, एक 20 GB का एक हम स्पेस, जो अनलोकेटेड स्पेस मीन खाली था ना उसको हम क्रिएट कर दिया है परेश नाम का एक का ड्राइव, है ना, हो गया है। देखो वो जो चल नहीं चल रहा था ना अभी, देखो स्पेस कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, अभी देखो परेश नाम पे दिखाई दे रहा है कुछ, मीन्स अभी एम्प्टी है, कुछ भी डाटा उसका अंदर नहीं है। मैं भी कोई भी इमेज कुछ भी कॉपी करके देखूंगा तो फिर भी चल जाएगा, जैसे कोई भी इमेज डाल दिया हूँ मैं, अभी स्कैन डॉक्यूमेंट का दे दिया हूँ, है ना, दे दूंगा अभी उसका अंदर, ठीक है ना, हो गया, दैट्स इट, हो गया। एक बार इसको निकाल के देखता हूँ ऐसा इशू दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अभी इसको निकाल दिया अभी यूएसबी एंड फिर दोबारा कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट हो गया, देखते हैं ऐसा इशू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो मेरा अभी यूएसबी चल रहा है, परेश ड्राइव सब कुछ, ऐसा इशू नहीं आ रहा है। देखा इशू कितना, एक मिनट में रिजॉल्व हो गया है। थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग माई वीडियो, बाय, टेक केयर।